आप देख रहे हैं KSN 24, पल पल की खबर। सारंगढ़ के ग्राम पिंडरी में बीएसपी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप की घटना के खिलाफ पिंडरी में कैंडल मार्च एवं जुलूस निकालकर किया गया प्रदर्शन। इस दौरान ग्राम पिंडरी के अंबेडकर चौक में सभा को संबोधित करते हुए मंच के संयोजक नारायण रत्नाकर ने कहा कि हाथरस की घटनाएं महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों की न तो पहली घटना है और न ही आखिरी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध और बलात्कारों के खिलाफ यदि आज हमने आवाज नहीं उठाई तो हमेशा की तरह बलात्कारियों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। आज महिलाएं और बच्चियां, चाहे वे घर में हो या घर के बाहर, वे कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी व अपने बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए आवाज उठानी ही होगी तथा उनकी सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरना होगा। हमारे दलित समाज के बेटी मनीषा वाल्मीकि, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाली है, उनके साथ ठाकुर समाज के चार दरिंदों ने उनके साथ बलात्कार किए, उसके बाद उसकी जीभ भी काट ली। तो इस के हम लोग विरोध कर रहे हैं ताकि उन चारों अपराधी को फांसी की सज़ा हो। अभी तक यूपी सरकार ने उनके ऊपर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया है। हम लोग यह विरोध जता रहे हैं, उसको जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन पकड़े और उनको फांसी की सजा दे। ठीक। आज हम सभी ग्राम पिंडरी पंचायत में क्षेत्र भर के लोग उपस्थित हुए हैं। प्रमुख कारण है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में मनीषा, जो वाल्मीकि परिवार से थी, उन्हें उत्तर प्रदेश के चार गुंडों ने पकड़ लिया। उनके रीढ़ की हड्डी को तोड़ दी गई। वो कुछ ना बोल सके ये सोच करके उसकी जीभ काट दी गई। वो कुछ न लड़ सके इसलिए उसको जान से मार दी गई। उत्तर प्रदेश प्रशासन, पुलिस प्रशासन इतनी निकम्मी है कि उन्होंने उस बालिका के मृत शरीर को उसके घर नहीं ले जाने दिया। उसकी माँ चिल्लाती रही, रोती रही कि मैं अपनी बेटी के हाथ पे हल्दी लगा करके अंतिम विदाई करूँगी, लेकिन वहाँ की निरंकुश पुलिस प्रशासन नहीं मानी और अर्धरात्रि को जबरदस्ती मिट्टी तेल डाल करके उसके मृत शरीर को जला दिया गया। यह अन्याय और अत्याचार है। इसके विरोध में हम सभी एकत्रित हुए हैं और हमारा भारत की सरकार से यह मांग है कि उन आतताइयों अपराधियों को मृत्यु दंड दिया जावे, यही हमारी मांग है। धन्यवाद। भारत ग्राम पंचायत मंडी में कैंडल मार्च निकाला गया, इसकी संबंधित कैंडल मार्च निकाला गया। आज हम लोग बहन मनीषा वाल्मीकि, जिसके साथ कुछ ठाकुर लड़के लोग सामूहिक दुष्कर्म किए, इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर कैंडल मार्च निकाले हैं। क्योंकि ये मैं भी एक महिला हूँ, जो किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की माँ हूँ। वैसे वो भी किसी की बेटी थी। और हमारे जो दलित शोषित समाज के साथ हमेशा ऐसे होते रहता है, जो बच्ची के साथ उसके घर वाले तक को भी मिलने नहीं दिया,
आधी रात को पेट्रोल डाल के, मिट्टी तेल डाल के, जो वहाँ के शासन प्रशासन के साथ मिले हुए कुछ लोग उसको आधी रात को जला दिए, और ये बोला गया कि हम लोग उसके घर वाले को सौंप दिए हैं, और हिंदू रीति रिवाज के साथ हम दाह संस्कार कर रहे हैं, और ये सब झूठी खबर के साथ उस बच्ची को आधी रात में जला दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? कौन से हिंदू रीति रिवाज में 2:30 बजे रात को किसी मृत शरीर को दाह संस्कार किया जाता है? अगर योगी सरकार जी वहाँ शासन नहीं कर सकते ठीक से, तो उनको अपना पद से त्याग दे देना चाहिए, क्योंकि उनके शासनकाल में हमेशा से हमारे जो दलित वर्ग के जो बच्चियां हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, और ये सब वो उन्हीं के द्वारा करवाया जा रहा है, क्योंकि वे कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो किसी में मजाल है जो बहन जी के शासनकाल में इस टाइप से हुआ होगा? अगर ऐसा होता तो बहन जी के शासनकाल में तुरंत ही उनको सजा होता, लेकिन आज जो अपराधी हैं वे खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि उनको शासन प्रशासन का साथ मिल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी जिन्होंने भी बहन मनीषा के साथ दुष्कर्म किया है उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, उनको जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। और इन्हीं बातों के साथ मैं KSN 24 न्यूज़ के लिए सारंगढ़ से शिवलाल खूंटे की रिपोर्ट।